हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी आपकी गाड़ी की कुछ चीज़ें जैसे सिगरेट लाइटर या फिर यूएसबी पोर्ट या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज़ अंदर वाली जो भी काम करना अगर बंद कर दें तो आपको करना क्या होता है। सबसे पहले ड्राइवर सीट के सामने की साइड नीचे यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स होता है, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये फ्यूज़ बॉक्स, इस पर एक कवर लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था नीचे की साइड वहीं पर, तो ये आपको ऐसे खींचना है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको चेक क्या करना है कि जो सारे फ्यूज़ हैं वो सही हैं, क्योंकि फ्यूज़ ब्लॉन हो जाते हैं तो आपकी जो अप्लायंस है वो काम करना बंद कर देती है। जैसे सिगरेट लाइटर मेरा ख़राब हो गया था या चल नहीं रहा था, उसके लिए जो जो फ्यूज़ था ये है ACC2 15 एम्पियर, ये वाला जो फ्यूज़ है ACC2 15 एम्पियर वाला फ्यूज़, ये आपको देखना था कि चेक करना था क्या सही है या फिर नहीं। मैंने निकाल के देखा है तो ये ब्लॉन हो चुका है। इसमें आपको देखना होता है कि ये जो ये अंदर वाली ये वायर्स होती हैं दो वी शेप में होनी चाहिए, ये वी शेप में ऐसे, पर ये यहाँ से टूट चुकी है तार, तो इसका मतलब कि ये आपका फ्यूज़ ब्लॉन हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है, 10-5 रुपये का ही आता है एक फ्यूज़, 15 एम्पियर का है ये, आप लीजिए वापस उसकी जगह पर लगाइए ACC2 15 एम्पियर, अगर आपका सिगरेट लाइटर ख़राब होता है उसके लिए है ये, और आपकी जो ये बंद हुई थी चीज़ ये काम करना सही कर देगी। तो ये ऐसे ख़राब हो रहा था, मैंने नया लगाया तो अब ये चल रहा है। तो बाकी और अगर आपकी किसी और चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे बेल्ट हुआ, बेल्ट की जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो बेल्ट का जो वार्निंग लाइट आती है वो अगर बंद कर हो जाए तो उसके लिए ये है। बाकी बहुत सारी चीज़ें रेडियो के लिए, टेल लाइट के लिए, क्रूज कंट्रोल के लिए, रियर फॉग लाइट जो होती है उसके लिए, बाकी बहुत सारी वाइपर्स, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी इसमें आपको यहाँ पर रिले और फ्यूज़ मिल जाएंगे। आप जो भी चीज़ आपकी नहीं काम कर रही है आप उसे देख लीजिए एक बार, फ्यूज़ चेक कर लीजिए और फिर से उसमें फ्यूज़ लगा दीजिए, तो आपकी जो चीज़ है वो काम करना